साथियों, आज आपके सामने एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा फल फूल रहे कर्णी सेना और हिंदू युवा वाहिनी, जिनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, और इन संगठन के नेताओं द्वारा 30 जनवरी 2021 स्थान मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की मौजूदगी में महेंद्र चौहान, जो समाजवादी पार्टी के जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे 2017 में और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, महेंद्र चौहान जी को कर्णी सेना और विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने बहुत बुरी तरह मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में दौड़ा दौड़ा करके मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया। लेकिन आज 6 फरवरी है, पुलिस ने कर्णी सेना और हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मौन बनी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा चौहान समाज अपने को हिंदू बनता है और हिंदू युवा वाहिनी के लोग महेंद्र चौहान को जिस तरह बुरी तरह पीटा है, इससे भी चौहान को सीख लेना चाहिए और चौहान समाज को अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए खुद लड़ना चाहिए। महेंद्र चौहान का सवाल नहीं है, चौहान समाज का सवाल है। आज महेंद्र जी के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे चौहान के साथ होगा, और चौहान ही नहीं, ये पिछड़े समाज के लोगों के सम्मान पे कुठाराघात है। आज महेंद्र चौहान को मारा गया, कल किसी यादव को मारा जाएगा, परसों पटेल को मारा जाएगा, पटपाल को, प्रजापति को, राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, निषाद को, मल्ला को, धोबी को, दरकार को, पासी को, खटिक को, चमार को, बंजारा को, अर्कवंशी को, बारी को, बियार को, ये चुन चुन करके पिछड़े समाज के ऊपर ही कर्णी सेना और हिंदू युवा वाहिनी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दोनों को संरक्षण संगठन को, गाजीपुर में राजभर के ऊपर घटना हुई, गाजीपुर में चौहान के ऊपर घटना हुई, कहीं यादव के ऊपर हो रही है तो कहीं पटेल के ऊपर हो रही है, चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, तो इस घटना की भागीदारी संकल्प मोर्चा कड़ी निंदा करता है। और हम डीआईजी आजमगढ़ और डीजीपी उत्तर प्रदेश से ये मांग करता हूं कि इन लोगों ने जिस तरह की घटना पुलिस की मौजूदगी में मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में किया है, इसकी जांच करा करके इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि महेंद्र चौहान ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज को न्याय मिल सके। और मैं खास तौर से जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा मऊ में ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनके ज्ञापन का कोई असर मऊ के प्रशासन ने नहीं लिया और हम 48 घंटे के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मऊ कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में एक बड़ा कार्यक्रम 9 तारीख को हम लोग कर्णी सेना और हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जय सुहेलदेव, जय पृथ्वीराज चौहान, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.